एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पेट्रोल और डीजल गैस सिलेंडर महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता संबल एसडीएम को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। जी हां, आपको बताते चले, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही दुख की बात है, जिससे देश की जनता और देश का किसान पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बहुत ही अपने आप को परेशान महसूस कर रहा है, जिससे किसान और आम आदमी अपने कामों को अंजाम नहीं दे पा रहा। आज क्या प्रदर्शन किया है आपने? प्रदर्शन तो ऐसा है कि रोजाना करो तो कम ही कम है। इधर तो बेचारे किसान ठंड में सड़कों पर बैठे हैं, अपने घर छोड़े हुए। यहाँ सरकार ने अपने आड़ में एक महीने में 3 दफा कैसे इनके बढ़ाकर गरीब मजदूर और मीडियम आदमी को इतना बोझ डाला है कि आने वाला टाइम जो है पब्लिक जो है उसे दिखा देगी। 630 रुपये से सिलेंडर आज 807 रुपये सिलेंडर है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, किसान परेशान है, लाइट नहीं आती है। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, इस सरकार को जड़ से उखड़ कर फेंकना है। और हमने ये तय कर लिया है, जब तक ये सरकार को उखड़ कर नहीं फेंकेंगे, जब तक हम दम नहीं लेंगे। बिल्कुल सही बात है।